अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के शीशियापाड़ा निवासी नगर निगम कर्मचारी दीपू कांति हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक दीपू के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और वह युवतियों व महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाया करता था और अश्लील वीडियो के आधार पर महिलाओं को ब्लैकमेल किया करता था। इसी से तंग आकर सासनी गेट निवासी प्रेमिका महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर दीपू को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महिला समेत दोनों अभियुक्तों को पकड़कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया, 1 दिसंबर को थाना गांधी पार्क पर शीशियापाड़ा निवासी 26 वर्षीय नगर निगम कर्मचारी दीपू कांति की गुमशुदगी परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके फ़ोन कॉल डिटेल के अनुसार तफ्तीश शुरू कर दी गई। लेकिन एक दिन पहले इलाके के कमालपुर बाईपास रोड किनारे नाले में दीपू कांति का शव मिला, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। घटना की तफ्तीश में सासनी गेट निवासी एक महिला सामने आई, जिससे गहनता से पूछताछ में महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया। उसके बताए अनुसार मृतक दीपू कांति महिला और युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाया करता था और फिर उसके आधार पर ब्लैकमेल किया करता था। इसी से तंग आकर महिला प्रेमिका ने अपने भाई की मदद से दीपू कांति को बुलाकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। के कई अन्य महिलाओं से भी अवैध संबंध महिला द्वारा बताए गए हैं। हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रेमिका महिला व उसके भाई को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 10 तारीख को थाना गांधी पार्क में नाले में से एक डेड बॉडी की बरामदगी हुई थी, जिसके संबंध में 3 तारीख को थाने में ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मृतक का नाम था दीपू कांति, सन ऑफ विनोद कांति। इसके पोस्टमार्टम द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इसकी हत्या कारित की गई है। उसी संबंध में सर्विलांस की मदद लेते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। यशोदा देवी, वाइफ ऑफ जय किशन, जो कि शासनी गेट की रहने वाली है, तथा उसका भाई राजू उर्फ राजकुमार, जो कि खिरनी गेट शासनी गेट का ही रहने वाला है। दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से दीपू कांति की हत्या की। जो यशोदा का ये हत्या करने के पीछे मोटिव यह रहा था कि इनके बीच में अवैध संबंध थे और यह जो मृतक था वह उसे एक अश्लील वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करता था। उसी को रास्ते से हटाने के लिए अपने भाई के साथ प्लानिंग करते हुए इसने इसकी हत्या कारित की। मृतक क्या करता था? मृतक नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। हत्या का कारण जो महिला ने बताया है कि उसके पास उसके मोबाइल में एक वीडियो था, जिसको दिखाते हुए ब्लैकमेल करता था और पैसों की डिमांड करता था। इससे लगातार रोज के इस तरीके से वह परेशान हो गई थी और उसने इसी वजह से उसको रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। मालूम चल रहा है कि जो मृतक है वो महिला की बेटी पर नजर रखता था, इस वजह से इस संबंध में कुछ मतलब इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो पाई है। हालांकि जो महिला है उसने इस तरह की बात कही है, बट इसकी तस्दीक अभी हुई नहीं है। सर, जो असली वीडियो क्या इसी महिला का है, उस व्यक्ति के पास या किसी और का? जो इस संबंध में वीडियो की अभी विवेचना चल रही है और जो भी वीडियो अभी प्रकाश में नहीं आया है उसका